दोस्तों नमस्कार, इलेक्ट्रिकल एंड मोर चैनल में मैं संदीप चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम एचटी केबल और अंडरग्राउंड केबल के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एचटी केबल और अंडरग्राउंड केबल के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं और उन पार्ट्स का क्या क्या मीनिंग होता है। जैसा कि दोस्तों यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इंटरव्यूअर भी हमसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि एचटी केबल के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उनका क्या क्या मीनिंग होता है और एचटी केबल के पार्ट्स को क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए ताकि आप समझ सकें कि एचटी केबल के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उनका क्या क्या मतलब होता है। यहाँ पर मैंने एक एचटी केबल ली है, उस एचटी केबल के जरिए मैं आपको उसके सारे पार्ट बताऊंगा और सारे पार्ट्स का क्या क्या मतलब होता है वो सारी चीज आपको क्लियर करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह के टेक्निकल वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहें। तो फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक केबल का टुकड़ा लिया है, यह एक एचटी केबल है। इस पे लिखा है XLPE केबल, इसका मतलब है कि इसका जो इंसुलेशन है वह क्रॉस लिंक्ड पॉलीथिलीन का इंसुलेशन इस केबल के ऊपर किया गया है। अब यहाँ पर 6.35 लिखा है, 6.35 का मतलब है कि फेस टू अर्थ के बीच का वोल्टेज, फेस टू अर्थ के बीच का वोल्टेज 6.35 केवी तक होगा और फेस टू फेस वोल्टेज 11 केवी तक दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर केबल की साइज़ दी गई है, जैसा कि यह 3 कोर की केबल है और 300 स्क्वायर mm इस केबल का साइज है। उसके बाद केबल पर इस तरह का एक कोड दिया हुआ होता है, इस कोड के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, यहाँ आई बटन पर क्लिक करके इस केबल के कोड के बारे में आप जान सकते हैं। अब यहाँ पर हमने केबल का लगभग 1 फीट लंबा टुकड़ा ले लिया है, इस टुकड़े की सहायता से केबल की पूरी कंस्ट्रक्शन हम जानने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यह 3 कोर की केबल है। अब इस केबल के जो ऊपर वाला इंसुलेशन है इसको सबसे पहले ब्रेक कर लेंगे। इस इंसुलेशन को काटने के लिए इस तरह के ग्राइंडर का यूज करेंगे, इस ग्राइंडर की सहायता से यह इंसुलेशन आसानी से कट जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यह जो इंसुलेशन है यह XLPE टाइप का है, यानी क्रॉस लिंक पॉलीथिलीन वाला इंसुलेशन इसके ऊपर किया गया है। इस इंसुलेशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि इस इंसुलेशन की करंट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी बहुत ज़्यादा करंट पे भी यह इंसुलेशन फेल नहीं होता है। दूसरा, इस इंसुलेशन की टेम्परेचर कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, इस इंसुलेशन की टेम्परेचर कैपेसिटी 90 डिग्री से लेकर 120 डिग्री सेल्सियस तक होती है। दूसरा, हाई ओवरलोड कैपेसिटी के अंदर इसका इंसुलेशन फेल नहीं होता है। इस XLPE इंसुलेशन का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी बहुत कम होता है, जिससे इसके अंदर लीकेज की संभावना भी कम होती है। इस इंसुलेशन का वेट बहुत कम होता है, उसके साथ ही इस इंसुलेशन को मोड़ना कठिन होता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मॉल बाइंडिंग रेडियस लिखा हुआ है। हायर शॉर्ट सर्किट के अंदर भी इस इंसुलेशन के फेलियर होने की दर कम होती है, यानी यह इंसुलेशन शॉर्ट सर्किट के अंदर हायर कैपेसिटी प्रोवाइड करता है। जैसा कि इस केबल को अंडरग्राउंड में यूज किया जाता है तो इसके अंदर मॉइस्चर रेजिस्टेंस भी अच्छा होना चाहिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस केबल का जो मॉइस्चर रेजिस्टेंट है वह बहुत ज़्यादा होता है। अब इस केबल के ऊपर से हमने इंसुलेशन को हटा लिया है। इंसुलेशन को हटाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ आर्मर्ड वायर दिए हुए हैं, ये आर्मरिंग केबल को मजबूती प्रदान करने के लिए काम आती है। जैसा कि ये जो एचटी केबल है इसको हम बहुत रफ टफ तरीके से लेइंग करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर केबल का इंसुलेशन ब्रेक ना हो जाए, केबल अंदर से टूट ना जाए, उसके लिए इसके ऊपर इस तरह से आर्मरिंग करी जाती है। इस आर्मरिंग के द्वारा केबल को अर्थिंग भी प्रोवाइड करी जाती है। अर्थिंग किस तरीके से प्रोवाइड करी जाती है उसके लिए आपको मेरा एक अलग से वीडियो देखना होगा, उसके लिए आई बटन पर क्लिक करना होगा। एंड टर्मिनेशन के अंदर मैंने बताया है कि आर्मरिंग से केबल को अर्थ किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पर केबल के अंदर वाले इंसुलेशन को ब्रेक करने से पहले हमें ऊपर की आर्मरिंग को हटाना होगा, तो यहाँ पर मैं सारी आर्मरिंग को काट लेता हूँ। यहाँ पर केबल के ऊपर से हमने सारी आर्मरिंग वाले वायर को हटा दिया है। अब आप देख सकते हैं केबल के ऊपर एक और इंसुलेशन किया हुआ है, इस इंसुलेशन को इनर इंसुलेशन या फिर इनर शील्ड भी कहा जाता है। ये इंसुलेशन केबल कोर को आर्मरिंग से बचाने के लिए लगाया जाता है और ये केबल कोर और आर्मरिंग के बीच में एक डिवाइडेशन का काम भी करता है। उसके साथ ही केबल की कोर को राउंड शेप देने के लिए उसके ऊपर इस तरह का इंसुलेशन किया जाता है। अब हम इस इंसुलेशन को भी ब्रेक कर लेंगे और ब्रेक करके अंदर देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं केबल के ऊपर कुछ धागे लगे हुए हैं। ये जो धागे हैं यह केबल को राउंड शेप देने के लिए होते हैं। केबल को बाइंडिंग करने के लिए इसके ऊपर धागे लपेटे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस केबल के अंदर ब्लैक कलर का मटेरियल तीनों तरफ लगाया गया है। ये ब्लैक कलर का मटेरियल केबल को राउंड शेप देने के लिए लगाया जाता है, इसे हम फीलर कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फीलर है यह केबल में तीनों तरफ लगाया गया है, इसी से केबल के अंदर राउंड शेप आता है। राउंड शेप के अलावा फीलर का केबल के अंदर और कोई काम नहीं होता है। इस फीलर को भी हम हटा लेंगे। अब इस केबल के अंदर तीनों कोर हमें साफ दिख रही है। अब इन तीनों कोर को हम अलग अलग कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने तीनों कोर को अलग कर लिया है। अब इन कोर के ऊपर आप देख सकते हैं एक पतली सी टेप इन केबल के कोर के ऊपर लगाई गई है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कोर के ऊपर रेड कलर की टेप लगी हुई है। इस टेप का बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है। ये जो टेप है यह कलर कोडिंग के लिए इन केबल के कोर पर लगाई जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं एक कोर के ऊपर रेड है, दूसरे पे ब्लू है और तीसरे पे येलो कलर की टेप लगाई हुई है। इस टेप के द्वारा हम कोर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि 500 मीटर लंबी कोई केबल है तो उसके अंदर हमें रेड वाली कोर को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के लिए हम या तो मल्टीमीटर का यूज करेंगे या फिर हम इस टेप के द्वारा भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद केबल के प्रत्येक कोर पर कॉपर की पतली सी स्ट्रिप को लपेटा हुआ होता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। कॉपर की जो फॉइल लगाई गई है यह फॉइल जो केबल की कोर के ऊपर ब्लैक कलर का इंसुलेशन है और जो सील्ड वाला इंसुलेशन है उन दोनों को अलग करने के लिए लगाई जाती है। उसके साथ ही इस कॉपर की फॉइल को एंड टर्मिनेशन करते वक्त अर्थ भी किया जाता है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और आई बटन पर आप क्लिक करके एंड टर्मिनेशन का लिंक ओपन करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही हमने इसके ऊपर से फॉइल हटाई है तो हमारी केबल की जो कोर है वह दिखने लगी है और केबल की कोर के ऊपर ब्लैक कलर का इंसुलेशन भी दिख रहा है। केबल के ऊपर जो ब्लैक कलर का इंसुलेशन है यह ब्लैक कलर का इंसुलेशन सेमीकंडक्टर कंपाउंड का बना होता है। इसे और क्लियर तरीके से बताने के लिए मैंने यहाँ पर मल्टीमीटर का यूज किया है और मल्टीमीटर को लगाकर हम इसके अंदर कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीमीटर के अंदर कुछ रेजिस्टेंस दिखा रहा है। जैसा कि मल्टीमीटर के अंदर आप देख सकते हैं इसके अंदर 1 किलो ओम के लगभग वैल्यू आ रही है, यानी इस कोर के ऊपर जो सेमीकंडक्टर लगा हुआ है उसके अंदर बिजली फ्लो हो सकती है। ये सेमीकंडक्टर क्यों लगा होता है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस को कम करने के लिए लगाया जाता है। यदि तीनों फेज के अंदर अलग अलग वोल्टेज है तो वोल्टेज ग्रेडियंट को इक्विवेलेंट करने के लिए इनके ऊपर ब्लैक कलर का सेमीकंडक्टर इंसुलेशन लगाया जाता है। उसके साथ ही वोल्टेज स्ट्रेस को कम करने के लिए भी इसके ऊपर सेमीकंडक्टर कंपाउंड को लगाया जाता है। इसके साथ ही जो डाइइलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको भी इक्विवेलेंट करने के लिए इनके ऊपर ब्लैक कलर का इंसुलेशन लगाया जाता है। जब भी हम केबल का एंड टर्मिनेशन करते हैं, केबल का जॉइंट करते हैं या फिर केबल का मेगर करते हैं तो हमें इसके ऊपर का इंसुलेशन केबल के कुछ दूरी तक हटा लेना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर ग्राइंडर ले लिया है। ग्राइंडर की सहायता से हम इसके ऊपर का इंसुलेशन थोड़ी जगह से हटा लेंगे। लेकिन जब भी केबल का एंड टर्मिनेशन या फिर जॉइंट किया जाता है तो इसका जो इंसुलेशन है वह पूरा हटाना होता है, यानी कम से कम तीन फीट तक इस केबल के ऊपर से इंसुलेशन हटाना होता है। तो यहाँ पर हमने थोड़ी जगह से केबल का इंसुलेशन हटा लिया है क्योंकि मैं इसके अंदर आपको मल्टीमीटर की सहायता से रेजिस्टेंस चेक करके बताने वाला हूँ। जैसा कि हमने सेमीकंडक्टर कंपाउंड के साथ मल्टीमीटर के द्वारा चेक किया था तो मल्टीमीटर कंटिन्यूटी बता रहा था। अब हम मल्टीमीटर की सहायता से फिर से कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने मल्टीमीटर की नॉब को वाइट वाले पोर्शन पर लगा लिया है और मल्टीमीटर कोई भी कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है। अब हम ब्लैक वाले पोर्शन पर चेक कर लेते हैं कि मल्टीमीटर कंटिन्यूटी बताता है कि नहीं बताता है। आप देख सकते हैं ब्लैक वाले पोर्शन पर मल्टीमीटर अब भी कंटिन्यूटी बता रहा है।
यानी दोस्तों यह एक सेमीकंडक्टर कंपाउंड है, इसीलिए केबल का जब इंटरमेशन किया जाता है तो इस सेमीकंडक्टर कंपाउंड को केबल में कुछ दूरी तक हटा दिया जाता है, क्योंकि केबल की कोर किसी भी कंडीशन के अंदर इस सेमीकंडक्टर कंपाउंड के कंटिन्यूटी में ना आ जाए, नहीं तो हमारा जो भी इंटरमेशन होगा या फिर हमारा जो भी जॉइंट होगा वह फेल हो सकता है। अब इसके बाद आता है लास्ट कंडक्टर। यहाँ पर हमने एल्यूमिनियम वाली केबल ली है तो इसके अंदर एल्यूमिनियम कंडक्टर ही होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपके अंडरग्राउंड केबल ट्रेड और एसटी केबल से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसके साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।